एलेक्सा पावर ऑन विप्रो प्लग। तो देख पर दोस्तों इस तरह से कनेक्ट हो जाती है और इस तरह से आप काम कर सकते हो। एलेक्सा पावर ऑफ विप्रो प्लग। ओके, आप लाइट ले लेंगे तो आप वॉइस कमांड से जब बोलेंगे एलेक्सा लाइट ऑफ, तो लाइट है ऑफ कर देगा, ठीक है ना। विप्रो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिधर जो भी आप लिखेंगे, मतलब इधर आप टीवी लिख देंगे तो आप बोलेंगे एलेक्सा टीवी ऑफ, तो टीवी ऑफ कर देगा। एलेक्सा टीवी ऑन, तो ऑन कर देगा। जो भी आप लिखेंगे दोस्तों वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आ चुका है एक स्मार्ट प्लग। ये दोस्तों प्लग क्यों स्मार्ट है आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा पूरे डिटेल में किस तरह से दोस्तों ये स्मार्ट होती है। तो चलिए दोस्तों फटाफट करते स्टार्ट और देखते इसके अंदर हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है और कैसे हम इसको यूज कर सकते। तो चलिए फटाफट करते स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए फटाफट करते स्टार्ट। देख पा रहे हो स्मार्ट प्लग 16 एम्पियर का और विप्रो कंपनी का है। तो चलिए इसको अंदर मैं खोल के देखता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों, देख पा रहे हो प्लग, छोटा सा बस एक प्लग मिल जाएगा और ये मिलेगा आपको यूज़र मैनुअल, देख पा रहे हो आप। तो यूज़र मैनुअल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसका प्राइस देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा लिखा है लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है दोस्तों। इसका प्राइस है 1000 रुपया, अमेजोन से मैं इसको परचेस किया। तो आप परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं काम किस तरह से करती है। तो अभी चलिए दोस्तों आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए देख पा रहा हूँ मैंने एक लाइट लगा दिया, तो आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। और इसके लिए दोस्तों चाहिए एक ऐप, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। देख पा रहे हो विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट, तो ये वाला देख पा रहा हूँ पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी बस इसको ओपन करना है। तो देख पा रहे हो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको ये क्या करना है, ये दोस्तों आपको लगा देना है बिजली पर एक प्लग। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। तो अभी चले दोस्तों इसमें पावर देना होगा, तो देख पा रहे हो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, बोर्ड में लगा दिया। अभी इसको ऑन की स्विच ऑन करने के बाद इधर दोस्तों एक छोटा सा एलईडी है जो दोस्तों रेड कलर का जलेगा, ठीक है ना, रेड कलर का जलेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर देख पा रहे हो एक स्विच है, ठीक है ना, इसको आपको लगभग 5 सेकंड तक आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा। रखने के बाद दोस्तों ब्लू कलर का ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कनेक्ट करना होगा मोबाइल पर। तो चलिए ये मैं कर लेता हूँ फटाफट। इसको आपको प्रेस करना होगा 5 सेकंड तक, तो आप देखेंगे नीचे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों ये ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। तो लाइट को मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, तो देखिएगा देख पा रहे हो आप ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से ब्लिंक करेगा। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, मोबाइल पर आपको कनेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए देख पा रहे हो दोस्तों वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ही आपको ऑन करना पड़ेगा। तो पहले आपको ऑन कर लेना है, तो देख पा रहे हो वाईफाई आपको होम वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और ब्लूटूथ दोनों, लोकेशन तीनों कनेक्ट कर लेना है दोस्तों, लोकेशन भी करना होगा। तो अभी चलिए दोस्तों आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस तरह से कनेक्ट करना है। तो देख पा रहे हो इधर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद इधर आपको पासवर्ड देना होगा वाईफाई का, आपका जो होम वाईफाई है उसका पासवर्ड दे देना है। तो वाईफाई में कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो कनेक्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा दोस्तों, देख पा रहे हो नेक्स्ट इधर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो इधर ऑप्शन आ जाएगा, देख पा रहे हो दोस्तों, इधर आपको कन्फर्म करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद देखते हैं क्या आती है। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये चार्ज हो रहा है डिवाइस। तो इस तरह का देख पा रहे हो दोस्तों डिवाइस नेम आ चुका है, देख पा रहे हो ये रहा। तो आपको इधर कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन भी आ गया और नोटिफिकेशन भी आ गया देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो आपको इधर कनेक्ट कर लेना है, तो देख पा रहे हो ये कनेक्ट हो रहा है, अब डन करेंगे, अभी डन कर देना है ऊपर का ऑप्शन देख पा रहे हो और कन्फर्म। उसके बाद देख पा रहे हो ये कनेक्ट हो चुका है, अब इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, देख पा रहे हो इधर लाइट ऑफ है अभी, देख पा रहे हो, ठीक है ना, ऑफ है अभी। इधर आप प्रेस करेंगे तो ऑफ ऑन कर सकते हो, देख पा रहे हो आप इस तरह से कुछ काम करेगा, ठीक है ना। तो और क्या क्या फीचर है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर है इस ऐप्स में। तो देख पा रहे हो दोस्तों इधर आपको पावर ऑफ करने का देख पा रहे हो ऑप्शन, डायरेक्ट आप इधर ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी चलिए दोस्तों इधर एक टाइमर का ऑप्शन भी है जो आप टाइमर लगा सकते हो। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ ये काम किस तरह से करती है। तो इधर आपको प्रेस करना होगा, देख पा रहे हो आप टाइमर, इधर आपको एयर शेड्यूल सिलेक्ट करना होगा। तो देख पा रहे हो इधर आप टाइम सेट कर सकते हो ऑफ ऑन करने। तो सबसे पहले आपको इधर क्लिक करना होगा एयर शेड्यूल पर, देख पा रहे हो इधर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कौन सी डेट पर करना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा पूरे हफ्ते का। और देख पा रहे हो आप कौन सी डेट पर करना चाहते हो ये कर लेना, सबसे पहले उधर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको टाइम सेट कर लेना है,
देख पा रहे हो कौन से टाइम पर आप करना चाहते हो। तो ऑन और ऑफ देख पा रहे हो, ऑन करने के लिए दोस्तों ये मैं सिलेक्ट किया, तो चलिए अभी मैं डन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देख पा रहे हो एक सिलेक्ट हो चुका है। अभी चलिए दोस्तों ऑफ करने का मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ऑफ करने के लिए फिर से आपको दोस्तों टाइम शेड्यूल पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद फिर से ऐसा ही करना होगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों क्या करना है, जो ऑन का करने के लिए करा था मैं, वो अभी ऑफ करना है। देख पा रहे हो अभी मैं ऑफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऑफ होगा। तो अभी देख पा रहे हो ऑफ कर दिया, फिर से नहीं हुआ, अभी ऑफ कर देते हैं। देख पा रहे हो ऑफ ऑप्शन आ चुका है। अभी दोस्तों आपको टाइम सेट कर देना है कौन से टाइम पर आप ऑफ करना चाहते हो, कितना बजे, ठीक है ना, वो ऑफ हो जाएगा। तो देख पा रहे हो दोस्तों टाइम सेलेक्ट हो चुका है, तो एक ज़्यादा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा एक डिलीट कर देता हूँ, डिलीट भी हो जाएगा दोस्तों। तो एक डिलीट कर दिया, देख पा रहे हो 11:53 पर दोस्तों ये ऑन होगा, और 11:00 दोस्तों ये 54 पर दोस्तों ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना, एक मिनट बाद ये बंद हो जाएगा। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये काम करता है या नहीं। शेड्यूल दे दिया, इस तरह से आप शेड्यूल दे सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो दोस्तों ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया, तो एक मिनट बाद ये तुरंत बंद हो जाएगा। देख पा रहे हो आप 54 पर ये बंद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। देख पा रहे हो दोस्तों ये बंद हो गया। इस तरह से आप टाइमर स्टार्ट कर सकते हो किसी भी टाइम। तो दोस्तों आपको मैं शेड्यूल फीचर दिखा दिया। अभी चलिए दोस्तों काउंटडाउन जो फीचर है दोस्तों साइड में, वो किस तरह से काम करती है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इधर आपको प्रेस करना होगा, तो प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको कितना टाइम आपको जलाकर रखना है लाइट को, वो आप दे सकते हो इधर, ठीक है ना। तो मैं रख देता हूँ लगभग 1 मिनट रख देता हूँ। पर दोस्तों 1 मिनट कर दिया, 1 मिनट के बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देख पा रहे हो लाइट अभी जला हुआ है, तो 1 मिनट होने के बाद शायद ये बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होती है। 8 सेकेंड बचा हुआ है, अभी देखते हैं दोस्तों ये बंद होता है या नहीं। तो देख पा रहे हो टाइम हो गया, तो देख पा रहे हो दोस्तों ये ठीक ठाक बंद हो गया। इस तरह से आप शेड्यूल लगा सकते हो, मतलब इस तरह से काउंट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऑन करके रखेंगे तो ये ऑफ होगा, आप ऑफ करके रखेंगे तो ये ऑन होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से काम करती है काउंट डाउन। अभी देख पा रहे हो ऑफ है, अभी मैं इसको ऑन करने के लिए 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आप काउंट डाउन कर सकते हो। तो और भी बहुत सारा फीचर है, चलिए आपको मैं आगे करके दिखाता हूँ। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो दोस्तों ये ऑन हो चुका है। इस तरह से दोस्तों काउंट डाउन आप कर सकते हो। शेड्यूल भी आपको दिखा दिया, काउंट डाउन भी दिखा दिया, और पास में देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा और भी फीचर है, वो भी क्या काम करती है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो फिर से उस फीचर के लिए दोस्तों आपको जाना होगा टाइमर ऑप्शन पर। टाइमर ऑप्शन पर जाने के बाद देख पा रहे हो दोस्तों इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आपको 2 फीचर आपको मैं दिखा दिया, तो काउंट डाउन और शेड्यूल देख पा रहे हो आप। चलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इधर आपको प्रेस करना होगा, प्रेस करने के बाद देख पा रहे हो सर्कुलेट जो ऑप्शन है, इधर प्रेस करने के बाद इधर भी आप किस तरह से काम करता है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हो इधर भी टाइमर के जैसा ही ऑप्शन है, तो लेकिन ये दोस्तों काम कुछ अलग तरह से करता है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है ये। देख पा रहे हो इस तरह से कर सकते हो दोस्तों आप। देख पा रहे हो 1 आवर जितना आपको चाहिए, 1 आवर मिनट जितना आपको टाइम चाहिए दोस्तों वो आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको 1 मिनट करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हो ये टाइमर सिलेक्ट हो गया, तो अभी फिर से इसको भी 1 मिनट कर देते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट ही गया। तो 1 मिनट हो गया दोस्तों। ये काम किस तरह से करती है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हो आज के फीचर में, देख पा रहे हो इस तरह से करने के बाद आपको देख पा रहे हो इधर सेव कर देना है, ठीक है ना। सेव करने के बाद देख पा रहे हो ये फीचर ऑन हो चुका है। ये फीचर काम किस तरह से करती है चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। फिर रखेंगे तो 1 मिनट बाद दोस्तों ऑफ ऑन होते रहेगा इस तरह से। देख पा रहे हो फिर से करो, तो इस तरह से ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा, इस तरह से होता ही रहेगा दोस्तों। आप जितना टाइम रखेंगे उतना, मतलब आप 10 मिनट रखते हो 10 मिनट जलाकर रहेगा, 10 मिनट बंद होगा, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों होता ही रहेगा ये फीचर। तो ये आपको जितना टाइम आपको करना ही कर सकते हो। सारा ऑप्शन है, आपको कुछ फीचर में आपको दिखा दिया, बाद में आप देख लेना, ठीक ना। आप लेना चाहते हो तो देख सकते हो। तो आपको कुछ जो जरूरी फीचर है दोस्तों वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इधर देख पा रहे हो दोस्तों इलेक्ट्रिक का जो ऑप्शन है दोस्तों, इधर कितना कंज्यूम कर रहा है आपका, कितना वोल्टेज है वो दिखाएगा दोस्तों। इधर आप देख पा रहे हो अभी बिजली का वोल्टेज है, देख पा रहे हो दोस्तों 218 वोल्ट अभी है बिजली। तो देख पा रहे हो ये रहा वोल्टेज, और कितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी खाता है वो भी आपको दिखाएगा। तो ऑन कर लेता है, तो चलिए इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। देख पा रहे हो ये ऑन हो चुका है लाइट, और कितना ज़्यादा पावर ले रहा है वो भी आपको इधर दिखाएगा। तो अभी देख पा रहे हो दोस्तों काफ़ी सारा इधर आपको फीचर मिल जाएगा, कितना वाट पावर ले रहा है वो भी आपको दिखाएगा। आप बहुत कुछ चला सकते हो दोस्तों इसमें। देख पा रहे हो अभी लाइट लगा हुआ है छोटा सा, इसलिए दोस्तों आपको इधर देख पा रहे हो 12 वाट का लगभग ये पावर ले रहा है, और देख पा रहे हो अभी 219 वोल्ट है बिजली, ठीक है ना। तो देखिए आप टोटल कितना यूनिट दोस्तों ये कंज्यूम करेगा वो भी आपको दिखाएगा इधर साइड में, देख पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो अभी कोई भी यूनिट नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाद छोटा सा लाइट जला रहा हूँ। अब एसी फ्रिज जो भी आप चलाना चाहते हो इसमें लगा सकते हो, और देख सकते हो कितना ज़्यादा बिजली का बिल आता है, कितना ज़्यादा कंज्यूम करता है।
आप वॉइस कमांड से भी ऑफ ऑन कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, इधर आप देख पा रहे हो उस ऐप्स पर जाने के बाद इधर पेंसिल का जो ऑप्शन है दोस्तों, इधर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देख पा रहे दोस्तों वही है दोस्तों, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट दोनों ही है, जो भी आप पसंद करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ, एलेक्सा कर लेते। तो एलेक्सा को मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख पा रहे हो ये इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, लॉगिन हो चुका है, पहले से ही लॉगिन था, इससे पहले भी इसको मैं टेस्ट किया था, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो ये लॉगिन है। तो अभी चलिए दोस्तों आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, एलेक्सा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है, पहले से मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है। अभी चलिए दोस्तों वॉइस कमांड से दोस्तों इसको ऑफ करते हैं। एलेक्सा पावर ऑफ द प्लग। यस, तो देख पा रहे हो दोस्तों ये ऑफ हो चुका है वॉइस कमांड से। तो अभी चलिए दोस्तों वॉइस कमांड से इसको ऑन करते। एलेक्सा पावर ऑन विप्रो प्लग। तो देख पा रहे हो इस तरह से आप कर सकते हो वॉइस कमांड से, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों ये जो प्लग है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा स्मार्ट होती है दोस्तों इस तरह से। तो अभी आप देख पा रहे हो दोस्तों लाइट बंद है और मोबाइल को देख पा रहे हो दोस्तों मैं ऑफ कर दिया, और वो दोस्तों ऑटोमेटिक कनेक्ट है, पहले से कनेक्ट है। अभी चलिए दोस्तों एलेक्सा के साथ आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। एलेक्सा पावर ऑन विप्रो प्लग। तो देख पा रहे हो दोस्तों इस तरह से कनेक्ट हो जाती है और इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो इसका दोस्तों आप नाम भी चेंज कर सकते हो दोस्तों, विप्रो जो लिखा है दोस्तों उसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब वॉइस कमांड से आप मतलब इसको विप्रो को जगह आप लाइट लिख देंगे, इधर देख पाओ निक नेम, इधर आप लाइट लिख देंगे तो आप वॉइस कमांड से जब बोलेंगे एलेक्सा लाइट ऑफ, तो लाइट है ऑफ कर देगा, ठीक है ना। विप्रो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिधर जो भी आप लिखेंगे मतलब इधर आप टीवी लिख देंगे तो आप बोलेंगे एलेक्सा टीवी ऑफ, तो टीवी ऑफ कर देगा, एलेक्सा टीवी ऑन तो ऑन कर देगा, जो भी आप लिखेंगे दोस्तों वो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर आप निक नेम को चेंज कर सकते हो, इस तरह से काम होता है। स्मार्ट प्लग मैं आपको रिव्यू करके दिखा दिया किस तरह से काम करती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा फीचर आपको मिल जाएगा। आप लेना चाहते हो तो इसको आप परचेस कर सकते हो काफ़ी आराम से, सस्ते में दोस्तों आपको मिल जाती है, लगभग 1000 रुपये इसका प्राइस है। और दोस्तों इसका जो काम है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, मैं इसको यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों मुझे। इसको आप परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हो, अच्छा लगे तो परचेस भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।